आकाश सारने जी एक किसान है जो प्याज करते हैं, कांदा, ओनियन, और उन्होंने प्रश्न पूछा है कि मेरा ओनियन विल्टिंग हो रहा है, ओनियन का सीडलिंग भी विल्टिंग हो रहा है, जो भी खरीफ का ओनियन हार्वेस्टिंग के लिए एक महीना है उसका भी विल्टिंग के प्रॉब्लम सब दूर चल रहे हैं, सिर्फ आपके पास ही नहीं है आकाश जी, सब दूर ये प्रश्न चल रहा है। दोस्तों, मैं बीटी गोरे और बीटी गोरे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। विल्ट डिजीज कंट्रोल करना कोई आसान नहीं है, आपको पता है अनार में विल्टिंग है, किसी से भी कंट्रोल नहीं होती है। मेरी रिक्वेस्ट है, सबको रिक्वेस्ट है, मिट्टी के तरफ ध्यान दीजिए। अगर आपने आज मिट्टी के तरफ ध्यान नहीं दिया, ऑर्गेनिक कार्बन नहीं बढ़ाया, तो आपको विल्टिंग की समस्या हर एक फसल में 5 साल के बाद दिखेगी। टोमेटो है, भिंडी है, ब्रिंजल है, मिर्ची है, जो भी वेल वर्गीय क्रॉप आते हैं, काकड़ी, खरबूज, तरबूज, ओनियन है, सोयाबीन है, सब में आपको विल्टिंग की समस्या आएगी, क्योंकि इनोकुलम आपकी मिट्टी में बढ़ता जा रहा है और उसको कंट्रोल करने के लिए जो बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो वहीं पे ग्रो नहीं कर रहे हैं, और जो भी गोबर खाद आप डाल रहे हैं ऐसे ही कच्चा गोबर लाके वहीं पे डाल रहे हो, सब डिजीज वहां से आ रहा है। तो जो गायत्री संजीवनी कंपोस्ट का वीडियो है एक बार जरूर देख लेना दोस्तों, आई बटन में ऊपर दिख रहा है, देख लीजिए, वो देख लीजिए, वो वीडियो जाके पूरा का पूरा स्टडी करिए और आप गायत्री संजीवनी कंपोस्ट घर पे बना दीजिए। कुछ भी नहीं, बाहर से कुछ नहीं लेना है, जो सब कुछ आपके घर पे है ये पूरा का पूरा आप उसको इस्तेमाल करिए, और गायत्री संजीवनी कंपोस्ट प्रति एकड़ हर साल 10 टन तो भी जाना चाहिए, ये आपको ठान लेना है ताकि आपकी मिट्टी उपजाऊ रहेगी। क्योंकि हर एक फसल में विल्ट आएगा, लेकिन कोई भी केमिकल डाल के आपका विल्ट का सोल्यूशन हमेशा के लिए नहीं मिलेगा, क्योंकि केमिकल क्या है, जहां तक वो पहुंचेगा वहां तक अगर कोई फंगस या बैक्टीरिया है उसको वो मारेगा, लेकिन उसके नीचे है या ऐसे जगह पे वो अगर फैल रहा है, उसके बाजू में अगर फंगस है तो वो तो ग्रो करेगा ना। इसीलिए मिट्टी के ऊपर ध्यान दीजिए, ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ा दीजिए, और इस साल अगर आपने ओनियन वो खेत में लिया है तो 100% आपको अवॉइड करना है, नेक्स्ट ईयर वहां पे ओनियन नहीं लेना है, प्याज नहीं लेना है, कांदा नहीं कराएगा, जहां पे इस बार आपने सीडलिंग डाला है नेक्स्ट ईयर वहां पे नहीं डालना है आपको, बिजाई जो भी बीज आप डालते हुए वो नहीं डालना है, ताकि वो जो लाइफ साइकिल होती है ओडीजीज की वो ब्रेक हो जाती है, और मिट्टी तपना चाहिए समर में धूप में, ताकि वो जो भी डिजीज है निमेटोड है ये कंट्रोल हो जाता है। अभी मैं आपको केमिकल में तो नहीं लेकिन ऑर्गेनिक में सॉल्यूशन दे देता हूं। आपके पास अगर माइक्रो स्प्रिंकलर है, स्प्रिंकलर है, ड्रिप है और फ्लड भी पानी है, तो आप कैसे भी कर सकते हो, या फिर आप ड्रेंचिंग कर सकते हो, छोटा प्लॉट होगा आपका तो ड्रेंचिंग कर सकते हो, तो ड्रेंचिंग करिए। मैं 3 कॉन्सर्शिया बेस प्रोडक्ट आपको रिकमेंड करूंगा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, और उसके साथ में एक रूट डेवलपमेंट के लिए और इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए रीस्टार्टर, ये जो प्रोडक्ट है वो रिकमेंड करूंगा। तो ये जो 3 माइक्रो ऑर्गेनिज्म के जो प्रोडक्ट है, जिसे बायो पेस्टिसाइड बोला जाता है, जिसके अंदर सभी बायो पेस्टिसाइड एक प्रोडक्ट के अंदर है, डेक्स्ट्रोज बेस में हो, तो उसमें सबसे पहले आता है लांस प्रो सॉइल 0.5 किलो प्रति एकड़। ये महिका बायोलॉजिकल का प्रोडक्ट है, ये इस्तेमाल करिए। अगर ये नहीं मिलता है तो आपके यहां पे रूट क्यूर करके प्रोडक्ट है, फिशपा बायोजेनेसिस 0.5 किलो प्रति एकड़, और तीसरा प्रोडक्ट आपको मैं रिकमेंड करूंगा डॉक्टर ग्रोथ सायन केमिकल का। तीनों में से एक प्रोडक्ट आपको मिलेगा, लगे तो डिस्क्रिप्शन में मैं उनके नंबर दे देता हूं, कंपनी के हेल्पलाइन नंबर, उनको आप कॉन्टैक्ट करिए।
ये तीनों में से कोई भी आधा आधा किलो ले लीजिए और एक, और उसके साथ में आपको मिक्स करना है रीस्टार्टर 1 केजी पर एकड़। और इसका घोल बना दीजिए, एक तो आप ड्रेंचिंग कर दीजिए या ड्रिप से छोड़ दीजिए या स्प्रिंकलर से दे दीजिए या फिर जो फ्लड का पानी आपका जा रहा है एक टंकी करके, वो टंकी से धीरे 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 उसके अंदर जाएगा और ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म पूरे के पूरे आपके खेत में फैलेंगे और जो हार्मफुल पैथोजन वहीं पे है उसको वो कंट्रोल करेंगे। ये आपको करना पड़ेगा। और मुझे पता है ये सीडलिंग अगर आपका है, जो अभी आप लगान ओनियन के सीडलिंग तैयार करने के लिए, रोप तैयार करने के लिए, उड़े मराठी में जिसे बोलते हैं उड़े, वो तैयार करने के लिए अगर आपने डाला है तो उसमें भी ये डालिया। कभी कभी वो कॉइलिंग आती है, कॉइलिंग, वो कॉइलिंग भी इससे कंट्रोल होगी क्योंकि वो कोलोट्रिटिकम जो फंगस है उसके कारण ही आता है, तो वो भी ये कंट्रोल करेगा, मिट्टी के अंदर से वो आ जाता है। तो इस प्रकार से आप उपाय योजना करिए, ऑर्गेनिक में, बायोलॉजिकल में करिए, आपको राहत मिलेगी। अगर आपका पूरा का पूरा खेत बैठ रहा है और ये अगर आपने कर लिया तो फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। थोड़ा सा अगर कोई पैस शुरुआत हो रही है तब करिए, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट जाएगा, मल्टीप्लाई होगा, तब जाके वो कंट्रोल करेगा। तो ये आपको अच्छी तरह से याद रखना है कि पूरा खत्म हो रहा है उस टाइम आप बायोलॉजिकल की तरफ जाओगे तो नहीं होगा। एक तो ये पहले ही आपके मिट्टी में चाहिए, आप नहीं डालते हैं या ऑर्गेनिक कार्बन आपकी मिट्टी में नहीं बढ़ाते इसलिए ये नहीं बढ़ते हैं। तो दोस्तों ये केयर आपको करना है। तो ये सोल्यूशन मैंने आपको ओनियन के अंदर जो विल्टिंग आ रही है उसके लिए दिया है, इसका आपको राहत मिलेगी ऐसी आशा मैं करता हूँ। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके कमेंट पे लिखिए कि मेरे वीडियो आपको कैसे दिखते हैं, क्योंकि 700 से ज़्यादा वीडियो इस चैनल के ऊपर है आपके लिए, तो देखते रहिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट।